हेलो, माय नेम इज शितेश श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो व्लॉग। सो आज मेरे साथ हैं राहुल कुमार, जो कि बहुत ही भयानक लेवल के बहुत ही महान एक्टर हैं। ही इज फ्रॉम एनएसडी एंड आई मेट हिम ओनली वंस। मैं अध्यांतर करके एक प्ले है जो मेरे एक फ्रेंड है अनुराग, जिनकी वीडियोज भी पड़े हुए हैं, वो मुझे दिखाने ले गए थे। और मैं प्लेज बहुत ज्यादा देखता नहीं हूँ, मैंने 10 साल पहले थिएटर किया था और मैंने प्ले देखा एंड आई वॉज वेरी इंप्रेस्ड बाई योर एक्टिंग। सो इसलिए मैं स्टेज पर गया आपसे मिलने और आपका नंबर भी लिया। बेसिकली मेरे दिमाग में उसी टाइम पर था कि मैं आपको इंटरव्यू लूंगा, पर उसके बाद फिर वो टाइम नहीं मिल पाया। तो फाइनली मैंने अभी कल परसों इनको मैसेज किया कि मुझे आपका इंटरव्यू चाहिए चाहिए, और इन्होंने तुरंत हाँ भी बोली। थैंक यू फॉर योर टाइम राहुल। अशिदित, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, क्योंकि वो नाटक देखने के बाद एकदम से वो इतना अच्छा लगा मुझे भी। आप लोग आप आके मिले, आपके दोस्त भी कुछ थे, सबके हाँ साथ बातचीत भी हुई और आज इस तरीके से बातचीत करने का मौका मिला। कुछ शुक्रिया पहले तो आपके इस चैनल का, आपका। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये एक्टिंग में आपकी रुचि कहाँ से आई? मतलब आप एक्टिंग, आपके घर में कोई है एक्टिंग फील्ड में, या एकदम से कुछ बचपन का इंस्पिरेशन था, कैसे आपने एक्टिंग में रुचि आई आपकी? कहीं ना कुछ फैमिली से मिलता है। एक्चुअली मैं जम्मू से हूँ, पहले तो ये बता दूँ। मेरे पिताजी जो है, हमारा बेसिकली बैंड, वेडिंग बैंड का एक फैमिली है। मेरे पिताजी वेडिंग बैंड भी बजाते थे। वेडिंग बैंड के साथ क्या हुआ, उन्होंने अपनी जवानी के दिनों में देखो, हर किसी ने रामलीला में ना कुछ किया होता है। हाँ तो खैर वो तो छोड़ चुके थे, लेकिन मुझे याद है पहला मैंने रामलीला में स्किट उनके साथ एक जाके परफॉर्म किया था। वो एक एंट्री स्टेज पर हुई और उसके बाद पता नहीं कुछ ऐसा अच्छा लगा कि फिर वो चलता लगातार चला स्कूल गया। के परफॉर्मेंसेज में होता चला गया। उसके बाद स्कूल के बाद फिर मैंने यहाँ जम्मू में थिएटर ग्रुप्स ज्वाइन किए, तो थोड़ा थिएटर शुरू हुआ मेरा, तो ये जम्मू शहर में। बाकी फैमिली में ऐसे एज पर एक्टिंग कुछ नहीं था मेरे, बट म्यूजिक मेरी फैमिली में था, क्योंकि हम वेडिंग बैंड डील कर रहे थे। हाँ, तो आप जाते थे तो वहां उसके पे बाद बस, हाँ, वेडिंग मैंने खुद बैंड 15 साल बैंड में, पूरा शादियों में बैंड बजाया है, हाँ। क्योंकि उससे मेरा एजुकेशन भी फंड होता था और काफी कुछ चीजें चलती तो थी। आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया? जम्मू से ही? हाँ, मैंने जम्मू से ग्रेजुएशन किया, मेरा मास्टर्स हुआ जम्मू में सोशियोलॉजी में, जम्मू यूनिवर्सिटी से। अच्छा, मास्टर्स भी किया आपने? हाँ, मैं एनएसडी, एक्चुअली क्या हुआ कि मैं एनएसडी जब पहली बार इंटरव्यू के लिए आया सन 2010 में ग्रेजुएशन के बाद, क्योंकि एक्चुअली ये था कि ग्रेजुएशन तो चाहिए हमें एनएसडी आने के लिए, तो ग्रेजुएशन किया और 2010 में मैं एनएसडी अपियर हुआ। लेकिन तब क्या, पहली बार हम अपियर हो रहे हैं, तो कुछ सेल्फ डाउट्स भी रहते हैं, पता नहीं होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने डिस्टेंस लर्निंग से मास्टर्स इन सोशियोलॉजी के लिए अप्लाई कर लिया। एनएसडी पहली बार जब दिया तो मेरा प्रीलिमिनरी क्लियर हो गया, लेकिन मेरा मेंस वर्कशॉप में क्लियर नहीं हुआ। तो फिर मैंने वापस आके अपना मास्टर्स किया और इसके साथ साथ मेरा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से स्कॉलरशिप अवार्ड हो गया 11 से लेकर 13 तक। सन 2011 से 13 के बीच मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से एक स्कॉलरशिप मिलता है थिएटर करने के लिए, 5,000 का पर महीना। हाँ तो वो मैंने किया। इस दौरान 12 में भी मैं अपीयर हुआ, 10 के बाद 11 में अपीयर नहीं हुआ, 12 में फिर अपीयर हुआ हाँ और 12 में भी सेम वही प्रिलिमिनरी क्लियर हो गया, मेन्स नहीं हुआ। हाँ फिर 13 के बाद मेरा स्कॉलरशिप खत्म हो गया, जम्मू में रंगमंच चल ही रहा था, हाँ साथ साथ में कुछ होस्टिंग स्टार्ट कर दिए, एंकरिंग और एडवर्टीजमेंट में आ गए, थिएटर हाँ हल्का सा कम किया। फिर 15 में मैं दोबारा एनएसजी अपीयर हुआ हाँ शादी के बाद। अच्छा, शादी हो गई हाँ, आपकी? शादी मैंने 15 में ही करी, जनवरी में, और शादी के बाद लगा कि यार एक ट्राई तो और बनती है, तब मुझे आपके शायद चेहरे लास्ट। से, आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं चलता है। हाँ तो फिर लास्ट ट्राई मैंने किया सन 2015 में, मेरा लास्ट ट्राई था वो, बट उस साल मेरा चुनाव हो गया एनएसजी। तो तो आपकी शादी के वाइफ ने, बाद आपकी हम, फैमिली ने नहीं बोला कि ये क्या कर रहे हो, आप जॉब पे ध्यान दो, काम करो, ये करो वो करो? देवर सपोर्टिव हाँ अबाउट इट? एक्चुअली, हाँ, मेरी वाइफ, क्योंकि हम जानते थे पहले से स्कूल डेज से एक दूसरे को, तो उसने मेरा सारा जर्नी देख रखा था, मेरी थिएटर स्कूल डेज से लेकर उसके बाद मेरा जो जर्नी रहा जम्मू में रंगमंच को लेकर, वो सब से परिचित थी वो। और इसलिए हाँ, थोड़े चैलेंजेस जरूर थे कि एकदम से शादी के बाद एनएसडी चले जाना, ये बहुत एक टफ हाँ, अभी भी कहिए कि डिसीजन अभी था। जो शादी हुई है, अभी 3 साल के लिए तुम दूर हो जाओगे। हाँ, मतलब टफ डिसीजन था, सेक्रीफाइस बट हमें होगा, लेना था, क्योंकि एनएसडी एक्चुअली में, ड्रीम है, बहुत एनएसडी, ह्यूज है, हाँ, बहुत मतलब ह्यूज ड्रीम। पैशन था, ये लेकर चले थे हम। तो फिर जब मिला और ऐसे समय में एक चैलेंज के साथ मिला कि अब क्या करोगे, मतलब पहले मिल नहीं रहा था, जब मिला तो अब क्या करोगे, अब लोगे कि नहीं लोगे, तब एक अलग एक विडंबना थी। लेकिन हाँ, फिर हम एनएसजी आए 2015 में, उसके बाद की कहानी तो
18 में चलते रहे। पास आउट होने के बाद मैं रंगमंडल के साथ ही जॉब कर रहा हूँ, सेटल कर रहा हूँ। रंगमंडल एनएसडी का ही ग्रुप है। हाँ, अच्छा नेशनल स्लॉट रेपर्टरी कंपनी। अच्छा तो एनएसडी में एंट्री के लिए क्या क्या आपको लगता है प्रिपरेशन करनी चाहिए किसी एक्टर को, क्या डिफिकल्टीज फेस करते हैं, और क्या आपने अलग किया जिसकी वजह से आपका एंट्रेंस हुई, क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं उसकी? जैसे एक आपने बताया ग्रेजुएशन तो है ही, उसके अलावा? सबसे पहले तो ये है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का जो कोर्स है ये आपका बेसिक नहीं है, ये एडवांस कोर्स है। सबसे पहले अच्छा तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। हमारे बहुत से दोस्त या हम खुद भी, मतलब जब शुरुआती दिनों में थे, थोड़ा रंगमंच किया होना चाहिए। अगर आप फॉर्म्स देखोगे एनएसडी में, उसमें रिक्वायरमेंट लिखा होता है कि 5-6 नाटक किए होने चाहिए, अपने शहर के 3 रिनाउंड लोगों से आपका एक चाहिए कि ये रंगमंच करता है, हम इसे जानते हैं, जस्ट एक रेफरेंस पॉइंट के लिए। हाँ, बेसिक से नहीं सिखाएंगे वो आपको। उसका कारण ये है कि एनएसजी एक्चुअली बेसिक नहीं है, एनएसजी एडवांस है। हाँ तो दिक्कतें ये आती हैं कि हम लोग क्या है कि चकाचौंध है ना, कुछ हम लोग भी शायद उसी चकाचौंध से आकर्षित होकर यहाँ मतलब आए। कुछ हाँ सेलिब्रिटीज हम भी जानते हैं, हमारे सीनियर्स हैं, वो कहीं ना कहीं हमें अट्रैक्ट करते हैं कि नहीं यार एक्टिंग करनी है तो ऐसी कुछ करनी है और इसके लिए हमें एनएसजी जाना है। हाँ तो है ना, शॉर्टकट्स कई बार हो जाते हैं, लेकिन वो जिस प्रोसेस से आए, जिस प्रोसेस, वो हम शायद मिस कर जाते हैं फिर। लेकिन अपनी जब जर्नी स्टार्ट होती है तब समझ में आता है कि नहीं यार ये बेसिक नहीं है, इसके लिए हमें थोड़ा सा मेहनत और करनी है, थोड़े नाटक करने हैं, थोड़ा नाटक पढ़ने हैं, लिटरेचर क्योंकि जानना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ आप, हाँ ये नहीं है कि आप सिर्फ शौक रख के एक्टर बन सकते हैं। शुरुआती दिनों में मुझे भी याद है कि हाँ नाटक इतने ही पढ़े हमने जितने उन्होंने लिस्ट में दिए। हाँ उसके बाद लेकिन जब पता चला कि हाँ भाई बाकी वाले हिंदुस्तान के लोग कैसे, मतलब हम एक्चुअली पहली बार जम्मू से उठकर जा रहे थे और वहां पूरे इंडिया से जैसे बाकी लोग आए, वो कैसे कैसे तैयारी कर रहे हैं, कैसे एनएसजी में आते हैं और अपने ही लोगों में से किन लोगों का चुनाव हुआ, वो कैसे परफॉर्म कर रहे थे, तो ये बंदा एक सेल्फ एनालिसिस पे भी जाता है। फिर पता चलता है कि यार हम लोग तो कुछ पढ़ते ही नहीं है सिवाय हाँ कुछ न्यूज़पेपर्स के, एक्टर्स कॉलम्स के अलावा, और तो वो भी काम अच्छे नहीं नाटक। आता, हाँ MP3 पढ़ के कुछ फायदा नहीं, कि शाहरुख ने ये नहीं किया, नहीं सलमान ने ये, कुछ ऑब्वियसली फायदा नहीं। हाँ ऑब्वियसली तुम्हें अच्छे प्लेराइट से इंडिया के कम से कम पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि एक्टिंग नेशनल स्टार ड्रामा का जो है वो थिएटर के लिए, ये पहला पहली पहली चीज बात तो समझने के ये लिए। क्लियर करनी चाहिए हमें वो। हाँ, वो सिनेमा के लिए आपको तैयार नहीं करेगा, आपको हाँ रंगमंच के लिए तैयार करेगा, अलग मीडियम ट्रू। है सिनेमा, अलग मीडियम है। हाँ ये जरूर है कि बेसिक सेम है, लेकिन वो बाद में जाकर उसके ऊपर और बात करते हैं। तो अलग मीडियम है मतलब आपकी रिक्वायरमेंट्स अलग है, आपको कहानियां पढ़नी है, आपको एक्टिंग से रिलेटेड अगर कोई किताब भी पढ़ने को शुरुआती दिनों में मिलती है तो जरूर पढ़िए उसे। और नाटक पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि हाँ नाटक का ही क्राफ्ट एक्चुअली है हाँ स्ट्रक्चर और वो समझना पूछते जरूरी भी है, हैं, किस तरह से डायलॉग्स होते हैं। स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। हाँ ट्रेन वो करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन पहले बेसिक्स चीजों का होना जरूरी है। तो मेरे को जो लगा कि जो शुरुआती दिनों में मैं जहाँ फंस रहा था वो ये मैं बताता जाता हूँ साथ साथ। हाँ क्या होता है कि जब हम इंटरव्यू में होते हैं ना, जो मेरी समझ में आया इतने दौरान की प्रीलिमिनरी हो रहा है और मेंस क्यों नहीं हो रहा, प्रीलिमिनरी हो रहा मेंस क्यों नहीं हो रहा, तो क्या होता है कि जब हम वर्कशॉप में होते हैं ना तब हम एक्चुअली एंजॉय करना भूल जाते हैं। हाँ जो मेरी पूरे 5 साल में 3 अटेम्प्ट्स के बाद समझ आया, हम एंजॉय नहीं करते अपनी परफॉर्मेंस को, हम दिखाने के ऊपर बहुत टारगेट करते हैं कि भाई मुझे देख लो, मुझे देख हाँ लो, मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं ज्यादा कर रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ स्टेज जैसे आपने भी उस दिन नाटक देखा, स्टेज का हर कोना विजिबल है, हाँ लोग बैठे हैं, आप एक कोने में भी कुछ कर रहे हैं वो आपको देख रहे हैं। हाँ बात सिर्फ इतनी है कि आप कितने ट्रूथफुल तरीके से अपना एक्शन कुछ कर रहे हैं, दिखाने के लिए नहीं करना है। हाँ जब भी वर्कशॉप में अगर जो भी आप जो भी साथी यहाँ सुनेंगे, इस इनके लिए यही है कि वर्कशॉप तक अगर, पहला तो आपको नाटक पढ़ के अपना प्रीलिमिनरी के लिए स्पीच तैयार करना है, पोएट्री तैयार करना है, वो तो इंटरव्यू प्रोसेस पता चलेगा। हाँ फंसता आदमी जब वर्कशॉप होता है कि 5 दिन में क्या किया जाए, हाँ एक्चुअली वो आपको टास्क देते हैं, आपको वो हाँ टास्क परफॉर्म करने हैं और हाँ रूल सिर्फ यही है कि जितना बोला उतना कीजिए हाँ और उसके उसको एंजॉय कीजिए। हम भी और शायद लोग इसी में ज्यादा फंस दिमाग गए, लगा देते हैं कि और एक्स्ट्रा ज्यादा करके दिखाता हूं। ज्यादा दिखाने के, मतलब मैं कर रहा हूँ और मुझे देखो, ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ शायद चूक हो जाती है। मैं क्योंकि बैंड मेरा एक बहुत सॉलिड पॉइंट था, मैं सैक्सोफोन क्लारिनेट भी प्ले करता था और दोनों बार मैं सैक्सोफोन क्लारिनेट साथ ले जाता था, और क्योंकि उसका प्रैक्टिस ज्यादा है मेरा, वो बचपन से एक रियाज था और वो एकदम से डोमिनेट करता था। 15 के दौरान जब मेरा फिर से प्रीलिमिनरी क्लियर हो गया, उस दिन बार मैंने फैसला किया कि इस बार मैं इंस्ट्रूमेंट लेकर नहीं जाऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि उनको मेरा जो म्यूजिशियन वाला पार्ट है वो शायद ज्यादा हैवी लगता है। ऑब्वियसली होगा भी क्योंकि
एक पूरा लंबे समय से बचपन से एक रियाज रहता है या सुनते हैं हम उस माहौल में रहते हैं। इंस्ट्रूमेंट जब मैंने अपने नहीं लिए साथ तो फिर शायद मैं भी सिर्फ वो जो एक्टिंग एक्सरसाइजेस दे रहे थे उन पे ही फोकस कर पाया। हाँ, एक बात तो तय थी कि प्रीलिमिनरी क्लियर हो रहा है मतलब कुछ ना कुछ तो उनको अच्छा लग रहा है, मेंस में कुछ गड़बड़ हो रही है। हाँ, तो मेंस में शायद हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स का सहारा ले रहे हैं, ज्यादा दिखा रहे हैं, लुक एट मी आई एम परफॉर्मिंग, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। तो प्रीलिमिनरी में क्या होता है, मतलब पेपर होता है या फिर इंटरव्यू होता है? प्रीलिमिनरी में सबसे पहले तो एक रिटन एग्जाम होता है जिसमें 3 या 4 सवाल आपको करने पड़ेंगे। बस ऐसे इस टाइप के? ज्यादा नहीं, उसको एक्चुअली उसका उसका पैरामीटर क्या है, एक तो आपका लैंग्वेज स्किल जानना है जो हिंदी। अच्छा, और इसीलिए आपने कहा कि पढ़ना जरूरी है, बिकॉज़ इफ यू रीड यू कैन राइट वेल। पहला नंबर तो आपका वो आपको क्योंकि ट्रेनिंग जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में होगा, हाँ, तो आपको आंसर्स के तौर पर दोनों भाषाओं का इस्तेमाल करना है। उसके बाद फिर क्या होता है, हमारे सेंसेस को लेकर आधार मतलब इमेजिनेशन को लेकर कोई सवाल हो जाएगा, किसी नाटक का, शायद आपने कोई नाटक अगर पढ़ा है तो उसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कुछ सवाल, जैसे एक कोई नाटक पढ़ा है उसके एंड के बाद अगर एक सीन लिखना पड़ेगा तो आप क्या लिखोगे, हाँ, ये इस किस्म का एक सवाल, क्योंकि ये इमेजिनेशन का आपका माइंड हाँ, का देखेगा कि आप कैसे सोच चीजों को पाते हो बिल्डअप चीजों कर। को। फिर हो सकता है कि आपको ये बोला जाए कि द लास्ट कोई भी आपने अगर हिस्टोरिकल बिल्डिंग विजिट किया है तो उसके टेस्ट के बारे में लिखिए। हाँ, ऑब्वियसली मतलब मुझे भी लगता है कि बहुत कम लोग होंगे जो ताजमहल को जाकर कभी चूमा होगा, सही बात है। ताजमहल के मार्बल को टेस्ट किया होगा, हाँ ये हम शायद उन दिनों में जब पता भी नहीं होता तो करते भी नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ क्या हम इमेजिनरी को टेस्ट कर पा रहे हैं, हाँ वो हाँ स्वादन हो पा रहा है। तो इस किस्म के सवाल, या अगर कुछ डिजाइनर हैं तो उनको डिजाइन बेस्ड कुछ इमेजिनेशन के तौर पर वो आपका एक माइंड का स्किल देखना है कि हाँ कितना दान भरता है। हाँ, इसमें कुछ ज्यादा पेच नहीं है, ये भाषा और मानसिक के तौर पर पेच आता है जो आपको स्पीच दिया गया है। हाँ, अब स्पीच करने के लिए ये नहीं है कि आपको जितना स्पीच दिया गया है आपको सिर्फ वही करना है ना, आपको सच में बैठकर पूरा नाटक पढ़ना पड़ेगा, हाँ, वो सिचुएशन क्या है उस सिचुएशन, है ना, ये नहीं है कि समझनी वो पड़ेगी। हाँ वो पूरे नाटक में उतरना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं है, हाँ आपको पूरा वो नाटक का वो माहौल समझना पड़ेगा, उस नाटक के अंदर क्या हो रहा है, घटनाक्रम क्या हो रहा है, माहौल क्या हाँ है, कहाँ टाइम पीरियड क्या है, वो हाँ लेकर ही आप स्पीच में जब फिर आप परफॉर्म करोगे तो आप एक मतलब अच्छा ट्रूथफुल लिख। परफॉर्मेंस कर हाँ, पाओगे। इसके बाद पोइट्री को लेकर एक परफॉर्मेंस होता है, मतलब अच्छा, पोइट्री स्पीच आपको टीचर्स को सुनानी पड़ती है याद करके वो सब? स्पीच परफॉर्म करना पड़ता है एक छोटा, हाँ, जैसे हम कई बार ऑडिशन देखते हैं ना, स्क्रीन के लिए भी ऑडिशन करते हैं तो एक मोनोलॉग आता है, एक मोनोलॉग कैमरा के लिए करना एक अलग चीज है, एक मोनोलॉग हाँ, स्टेज के लिए करना अलग चीज है। अलग डिमांड्स है, उसके डिमांड्स अलग है। आपको वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए, पता होना चाहिए कितना। हाँ, ये वॉइस तो देखिए, वॉइस और बॉडी अभिनेता के दो ही टूल्स हैं, हाँ, इसके बाद तो बात अलग है। तो ये तो कैमरे में तो इतना वो कट मार दिया आपने, ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ भी बना हाँ दिया, बाकी बॉडी मूव नहीं कर रही, चलेगा। पर थिएटर परफॉर्म कर रहे हो मोनोलॉग स्टेज पे, आपको तो परफॉर्म करना है, बॉडी मूव कर रही है, मुंह हाँ मूव कर रहा है, माइंड मूव कर रहा है, सब मूव कर रहा 8-10 लोग बैठ के सिर्फ आपको देख रहे हैं, है। एंड यू आर पूरे परफॉर्मिंग। स्टेज पे सिर्फ आप हो और आपको एक मोनोलॉग करना है, उसके बाद पोइट्री का रिसाइटेशन मतलब वो भी परफॉर्मेंस, ये 2 सवाल, और उसके बाद ये रहता है कि आपका डिस्कशन होता है। हाँ, आपको क्यों कुछ इंटरेस्टेड है आने नाटक, में? कुछ नाटक नहीं, पहला नंबर तो कुछ नाटकों की लिस्ट आती है, हाँ, 10-20 नाटक, उसमें से कोई 2 नाटक आपको चुनाव करने हैं अपने तरीके से, उनके ऊपर चर्चा हो, फिर वो आपसे उसके बारे में सवाल जवाब, आपका उसके ऊपर टेक, वो एक हाँ, उसके बारे में इंटरेक्शन होता है। ये छोटे से आधार रहते हैं कि हाँ भाई इसको मेंस के लिए लेना है या इसकी नाटक की समझ या इसकी इस फील्ड की समझ विद्यार्थी की कितनी हो पाई है, क्या हाँ, ये बेसिक क्लियर कर चुका है लेवल अपना ताकि हम इसको एडवांस के लिए ट्राई कर सके, ये इतना सा ही उसका रिक्वायरमेंट है। हाँ, अच्छा, तो जो वर्कशॉप होती है उसमें क्या क्या एक्सरसाइजेस होती हैं? जो आपकी पहली वर्कशॉप होती है जिसमें आप फेल हो गए थे, उसमें क्या क्या एक्सरसाइजेस हुई थी? वर्कशॉप में एक्चुअली ना पता नहीं चलता तुम फेल हुए क्यों, हाँ, वो सबको नहीं लगता है कि पता, भाई हमने तो पूरा बेहतरीन परफॉर्म हम किया है ना। तो शाहरुख एक्चुअली खान वाली क्या है परफॉर्मेंस कि दी है। सबसे पहले तो थिएटर एक ग्रुप एक्टिविटी है ना, ये हाँ, एक्टिंग एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट जो चीज भी है। होंगी वो ग्रुप एक्टिविटीज के आधार पर होंगी, और चैलेंज क्या रहता है कि आपकी एक टीम जो जब हमारा पहला इसके साथ इंटरेक्शन था पूरे ये क्या हो रहा है, एक टीम नहीं गठित होने देते,
आपको एकदम से स्पॉन्टेनियसली आपको जेल करना है, क्योंकि आपको 26 हिंदुस्तान के अलग अलग लोगों के साथ 26 बच्चे चुने जाते हैं पूरे भारत में हाँ, से हर साल, 26 लोगों के साथ एक ट्रेनिंग में जाना जनरल एससी एसटी सब इंक्लूडेड, कोटा वोटा इंक्लूडेड, 26 टोटल, 26 टोटल लिए जाएंगे एक साल में। हाँ, तो उस वर्कशॉप में भी देखो इमेजिन, जैसे मैं बता रहा हूँ कुछ एक टॉपिक दे दिया, जैसे सपोज करो मैंने आपको बोल दिया कि धोबी घाट एक टॉपिक दे दिया ना, एक एग्जाम्पल दे दिया, तो ये एक्सरसाइज हो गई और एकदम से आपको 5 लोग मिल गए जिनके साथ आपने कभी काम नहीं किया है, और जो हर कोई बंदा अपना टैलेंट दिखाने आया, ठीक है, हर कोई बंदा चला जाएगा उसका सिलेक्शन और वो कुछ एक्स्ट्रा करे। अब ये चैलेंज है, 5 लोगों को धोबी घाट टॉपिक दे दिया, जिसमें एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि भाई हमने दे दिया कि आपका म्यूजिक जो है वो डायरेक्टर लिंक म्यूजिक धोबी घाट के सराउंडिंग साउंड्स के साथ रिलेटेड नहीं होना चाहिए, है ना, सिचुएशन धोबी घाट पे कपड़े धोने वाली नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज होती है, एक एग्जाम्पल है छोटी सी एक्सरसाइज ये, जिसमें आपका म्यूजिक आपकी स्टोरी आपके टाइटल से डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन आपको एक परफॉर्मेंस बनानी है जिसमें धोबी घाट आ जाए। इस तरीके से ये उधेड़बुन है सारी। फिर कुछ मूड बोर्ड्स होते हैं, आप नाटक के मूड को कैसे समझ रहे हो, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हो, फिर आपका स्केचिंग को लेकर एक्सरसाइज होती है, क्योंकि वहाँ मैकेनिकल ड्राइंग भी हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, क्योंकि स्टेज डिजाइन और डायरेक्शन और एक्टिंग का जो फर्स्ट ईयर का कोर्स है सबका सेम है। जनरल सब कुछ पढ़ाते हैं। ये कुछ एक्सरसाइज है इसमें बताया। फिर उसके बाद आपको इम्प्रोविजेशन अलग अलग किस्म के मिलेंगे, मतलब सिचुएशन के हिसाब से, कोई लोकेशन के हिसाब से आपको एक इम्प्रोविजेशन दे दिया। सपोज करो कि मैंने आपको एक गैराज दे दिया, अब आपने गैराज में एक इम्प्रोवेशन बना दिया, ठीक है, और ऐसे ही दूसरी टीम को मैंने एक बाहर का एक हमारा गार्डन एरिया दे दिया, उन्होंने एक इम्प्रोवेशन वहां बना दिया, और हो सकता है कि 5 मिनट पहले आपको बोला जाए कि ये वाली टीम जो है ये अपना इम्प्रोवेशन वो गार्डन में परफॉर्म करेगी, और गार्डन वाली ने जो गार्डन के हिसाब से बनाया वो अपना गैराज में परफॉर्म करेगी। यू अंडरस्टैंड द थिंग्स ना, ताकि आप सडनली देखेंगे प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना अच्छा है, कि आप तुरंत कुछ क्या कर सकते हो। हाँ, जगलिंग कितनी एडाप्टेबिलिटी क्या है, कितनी जल्दी आप चीजों को अडॉप्ट कर लेते हो, कितनी जल्दी अडॉप्ट कर रहे हो, कितनी जल्दी आप फ्लेक्सिबल कितने हो चीजों को लेकर। इस तरीके से कुछ कुछ ये जगलिंग होती है। इरिटेट भी जाते होंगे ना, अरे यार अभी तो ये दिया था, वहां देखो भेज रहे हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि उसके बाद क्या होगा चैलेंज। जैसे ही हम सपोज करो कि मैंने गार्डन के आधार पर कुछ एक सिचुएशन बनाई और वही गैराज में शिफ्ट करनी पड़ी, और गैराज वालों को 5 मिनट में उधर शिफ्ट करनी पड़े, और फिर हम बाद में सोचेंगे अच्छा तीसरे वाले को बताएंगे कि आपने क्या सोचा था, उन्होंने अच्छा ये सोचा, अरे इसको लेकर ये सोचा जा सकता था, हमने इसको लेकर ये सोचा। तो ये अलग अलग एक्चुअली क्या है, आधार मतलब हम बोले कि यहाँ पे कोई इंजीनियरिंग की तरह कोई 10 सवाल करके कुछ एक वो है, ऐसा आधार ऐसा नहीं, हाँ क्रिएटिव है ना, क्रिएटिव फील्ड है, हर बंदा क्रिएटिव है, किसी को हम ये भी नहीं बोल सकते कम ज्यादा, कि बस ये कि उस दिन क्या क्लिक किया। टीचर किस मूड में है ये भी डिपेंड करता है। अच्छा, जो 3 साल का कोर्स है एनएसडी का, इससे पहले साल तो जनरल सब्जेक्ट, तो क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं उसमें पहले साल? क्षितिज, पहले साल में हमारा देखो, एक तो आपने बताया तो ये होता है कि स्टेज बोर्डिंग सबसे पहले, आज जैसे ही हम फर्स्ट ईयर में, एक तो मैं वो बता देता हूँ, पहले नंबर तो 10 दिन के जो स्टार्टिंग के रहते हैं वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम रहता है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम आजकल शायद थोड़े कम दिनों का किया था। ओरिएंटेशन में आपके पास इंडिया के अलग अलग अपने अपने क्षेत्र से बड़े बड़े नाम, जैसे कि मतलब पेंटिंग, कोई अच्छे पेंटर आके आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे, कोई एनएसजी के बड़े एल्यूमिनाई आके आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे, आपके साथ कोई बड़े संगीतकार आके इंटरेक्शन करेंगे। क्या है कि एक आर्ट का एक लेवल अलग है आपके साथ, एक आपको एक आपको कहीं साइट सीन के लिए लिया जाएगा, आपको कुतुब मीनार जाकर घुमाया जाएगा, या आपको पुरानी दिल्ली घुमाई जाएगी, वही जगह जो आप पहले शायद देख चुके हो, आप अलग पर्सपेक्टिव से देखोगे उसको। हाँ, मैरोनी का एरिया आपको दिखाया जाएगा, पुरानी दिल्ली के वो चबूतरे दिखाए जाएंगे, मतलब आर्ट देखने का नजरिया पहले दिन 10 दिन में ना ऐसे लगता है कि यार ऐसे तो कुछ देखा नहीं। और तुम्हें कहाँ जाना है एक्चुअली, तुम्हारा अब तुम कहाँ आ गए हो, इसके बाद तुम्हें कितना कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। फिर आपकी बात की सब्जेक्ट्स क्या है, सबसे पहले तो हमारा जो मॉर्निंग रूटीन शुरू होता था एक फिजिकल एक्सरसाइज, जिसमें डांस ओरिएंटेड थोड़ा थिएट्रिकल मूवमेंट्स को लेकर एक क्लास होता था। उसके बाद थिएट्रिकल मूवमेंट्स क्लास को लेकर फिर एक्चुअली फर्स्ट ईयर में थियोरी पार्ट बहुत रहता है। हम क्लासिकल इंडियन ड्रामा पढ़ते हैं, हम मॉडर्न इंडियन ड्रामा पढ़ते हैं,
हम वॉइस एंड स्पीच पढ़ते हैं, हम मैकेनिकल ड्राइंग पढ़ते हैं, ऐसा लगता है फर्स्ट ईयर में यार एक्टिंग करने आए थे, ये कहाँ किताबों में घुस गए, है ना? लेकिन वो पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जिस फील्ड में उतर रहे हो उसमें क्या क्या हो चुका है ये वो थोड़ा जानना जान जरूरी है। जानना जरूरी है, और कैसे कैसे हुआ है। फिर शाम को हमारी क्लास एक्टिंग की, 4 बजे के बाद एक क्लास होती थी जो 4 घंटे अलग से कितने चलती बजे थी। सुबह से बिजी रहते थे शाम तक? हम सुबह ऑलमोस्ट 6 बजे से, मतलब छह, 6 बजे, हाँ 7 बजे क्लास ऑन होता था हमारा, फिजिकल 7 बजे वाला। सुबह, हाँ सुबह 7 बजे क्लास एकदम स्टार्ट होता था, 2 घंटे फिजिकल होता था हमारा, हाँ जिसमें कुछ रनिंग वनिंग भी रहता है, फिर बॉडी मूवमेंट। एक्चुअली क्या हम सभी 2 घंटे थिएटर वाले होते हैं ना, अपने अपने शहरों में हाँ शाम को 1-2 घंटे का हाँ एक थिएटर दो किया। घंटा कर लिया। ये जो एट अ स्ट्रेच फुल डे थिएटर को फुल फ्लेज आना है, उसके लिए थोड़ा फिजिकल बॉडी ट्रेनिंग होना जरूरी बहुत है। जरूरी है। तो वो करने के बाद फिर ब्रेकफास्ट टाइम 1 घंटे का मिलता था, जिसमें आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, तैयार होते अच्छा, हो, मतलब दोबारा सुबह थियरी पानी क्लास के पिया, लिए आ रहे हो। फिजिकल करने चले गए, 2 घंटा वो किया भूखे पेट। 2 घंटा मतलब, हाँ आप डिपेंड हाँ। करता है भूखे पेट करना चाहते हो या कुछ केला लेके वेला करना खा लिया चाहते हो, सुबह, ये हाँ आपके ऊपर डिपेंड करेगा। पर फिर आना नौ है। से दस हाँ 9 से 10 आपको एक समय मिलता था जिसमें आप हॉस्टल जा रहे हो, फिर से नहा के एक अपना मैस में ब्रेकफास्ट करके दोबारा फिर आपका हो सकता है वॉइस एंड स्पीच का क्लास शुरू हो, और वॉइस एंड स्पीच भी फिर फिजिकल, फिजिकल मतलब उसमें भी है, हाँ, ऐसा फिजिकल है नहीं है कि वो भी। उस, वो भी हाँ मसल फिजिकल एक्सरसाइज ही है। बिल्कुल आपके, क्योंकि पूरा बॉडी इन्वॉल्व होगा, और धीरे धीरे वो कैसे गले में आना है, आपके नाखून से भी साउंड निकलना चाहिए तरीके से, मतलब एक्सरसाइजेस अलग है, वो कभी और डिस्कस की जा सकती है। तो ये फिजिकल के, फिर उसके बाद आपका थियरी पार्ट आ जाएगा, आप थके हुए और फिर एक क्लासिकल इंडियन ड्रामा पढ़ाने आ गए टीचर, फिर आप क्लासिकल इंडियन ड्रामा पढ़ रहे हो, कालिदास भाषा और शकुंतलम नाटक क्या क्या। उसके बाद फिर थिएटर आर्किटेक्ट समझना जरूरी है, स्टेज समझना जरूरी है, थिएटर आर्किटेक्ट के बाद उसके बाद मॉडर्न इंडियन ड्रामा आ रहा है, फिर वर्ल्ड ड्रामा हम पढ़ रहे हैं कि वर्ल्ड में ड्रामा में क्या क्या हो रहा है, ये सब पढ़ने के बाद फिर एक मेकअप की क्लास हो रही है, फिर उसके बाद मैकेनिकल ड्राइंग हो रहा है, हमें स्टेज क्राफ्ट समझना, स्टेज में क्या क्या, स्टेज के हिस्से क्या है, कर्टन क्या है, इसके बाद शाम को एक्टिंग की क्लास हो रही है, ये सब समझने के बाद। तो ये फर्स्ट ईयर मतलब का सोचने का टाइम ऑलमोस्ट, नहीं मिलता है, सुबह शाम तक बिजी रहते हो आप, आके शाम से थक गए, बिस्तर पे लेट गए आप, फिर सुबह उठ के वही रूटीन चालू। आपको शाम को भी काम मिला हुआ है, जो हॉस्टल आपको काम करना है, क्योंकि आपके असाइनमेंट्स भी होंगे, आपको रात को 11-12 बजे तक फुली एंगेज हो आप, ठीक है, 11 बजे तक आप एंगेज हो, आप कुछ ना कुछ सुबह, क्योंकि मैकेनिकल ड्राइंग अगर हो रहा है तो वो मैकेनिकल ड्राइंग बनाना भाई बहुत मतलब होगा, टफ काम है, और जो ऐसा तो लगता होगा मैं एक्टर बनना है तो ये क्या काम करा रहे हैं मेरे से। हाँ, लेकिन वो जरूरी बाद में करने के बाद लगता है कि यार ये जरूरी है चीजें, क्योंकि वो मैकेनिकल ड्राइंग करने के बाद मुझे प्रिसीजन समझ में आया कि आधे सूत्र का भी इधर फर्क होने से वो अभिनय में भी ये इफेक्ट होता है। थोड़ा सा ओवर करने से कितना इफेक्ट करती है चीजें, थोड़ा सा टोन डाउन करने से कितना बदलता है चीजें, तो ये बेसिक ऐसा रहता है। उसके बाद फिर कुछ हमारी एक्टिंग सीन वर्क्स होते हैं, फिर हम एक्टिंग सीन वर्क्स करते जाते हैं फर्स्ट ईयर में, फिर लास्ट में फर्स्ट ईयर के एक प्रोडक्शन होता है, एक नाटक मिलता है हमें करने के लिए, फिर लगता है कि यार अब तो कुछ मिला है, अब अभिनय कुछ किया जाएगा। तो फर्स्ट ईयर ऐसे बीतता है, सेकेंड ईयर में भी कुछ थियरी क्लासेस रहती तो हैं, सेकेंड ईयर लेकिन में कुछ सेकेंड ईयर, स्पेशलाइजेशन हो जाता है क्या कि अब आप ये सेकेंड करो ईयर ऐसा? में, हाँ सेकेंड ईयर में एक्टिंग स्पेशलाइजेशन हो जाता है, डिजाइन डायरेक्शन वाले अलग चले जाते हैं, इसमें से कुछ क्या क्या स्पेशलाइजेशन है? एक्टिंग, डिजाइन, डायरेक्शन, हाँ एक्टिंग और बस ये दो हैं। अभी अच्छा। डिजाइन डायरेक्शन अलग कर दिया था, लेकिन अभी दोबारा फिर सेम हो गया है, डिजाइन डायरेक्शन का एक है और एक्टिंग के लिए अलग स्पेशलाइजेशन है। ज्यादातर फर्स्ट बच्चे ईयर के एक्टिंग बाद में जाते वाइवा होंगे ना। होता है, हाँ बेसिकली फर्स्ट ईयर के बाद वाइवा वगैरह होता है, फिर उससे पहले भी शायद फॉर्म में लिखा ही रहता है कि क्या आप क्या चुनना चाहते हैं, लेकिन फिर भी एक बार फिर से आपको अपने उस पर रिविजिट करने का मौका मिलता है कि हाँ भाई अब 1 साल के बाद आपको क्या लग रहा है, डिजाइन डायरेक्शन या एक्टिंग। और फिर एक्टिंग के बाद स्पेशलाइजेशन में फिर हम उतरते हैं, फिर उसके बाद आपकी एक्टिंग क्लासेस बढ़ जाती हैं थोड़ी, और फिर आपकी थियरी क्लास थोड़ी हट जाती है, फिर क्योंकि आपको मेकअप का थोड़ा एक बेसिक समझ लग गया, आपकी मेकअप क्लास नहीं होगी, वॉइस एंड स्पीच रहेगा आपका साथ साथ, आपका क्लासिकल इंडियन ड्रामा क्योंकि प्रोडक्शन है, फिर सेकेंड ईयर में 4 प्रोडक्शन आते हैं जिसमें एक क्लासिकल इंडियन ड्रामा हमें करना पड़ेगा, एक शेक्सपियरियन ड्रामा करना पड़ेगा, एक फार्स करना पड़ेगा, एक हमें फोक इनपुट करना पड़ेगा, ये 4 प्रोडक्शन मेन रहते हैं, पारसी सीन वर्क करना पड़ेगा हमें, तो ये हमारा सेकेंड ईयर रहता है। थर्ड ईयर में फिर हम पोस्ट मॉडर्निज्म की तरफ चले जाते हैं, फिर हमारे एक्टिंग टेक्निक्स वो बदल जाते हैं, हम स्टेला को कर रहे हैं, मेयर होल्ड कर रहे हैं, हम हाँ, एडवांस टेक्निक्स अब हम
ज्यादा टेक्निकल हो गया, मेरे भी ऊपर से जाएगा और बाकी लोगों के भी ऊपर से जाएगा। तो संडे छुट्टी रहती है, संडे मतलब आप एनएसडी में जब रहते हो तो वीकडेज में आप निकल सकते हो कभी भी मन चाहे। नहीं नहीं कभी नहीं, जब हमारा प्रोडक्शन होता है ना हाँ फर्स्ट ईयर तक तो संडे में फिर भी छुट्टी मिलने के आसार रहते हैं। आसार सेकंड रहते हैं। हाँ सेकंड ईयर में क्या होता है, जब प्रोडक्शन चल रहा है आपका, अगर आपका प्रोडक्शन ऑन है हाँ तो फिर आपको अगर 1 महीने का सपोज कीजिए कि आपको स्लॉट मिला है, आप 1 महीने में एक नाटक तैयार करना है, तो उसमें आपको पहले 2 संडे मिल जाएंगे, हाँ लेकिन जैसे ही प्रोडक्शन पास आएगा फिर वो संडे थोड़ा हो सकता है हाफ डे पहले संडे में ले लिया, अगला संडे फुल ही मिलेगा, क्योंकि फिर आपकी रिहर्सल्स है, परफॉर्मेंस हाँ करना है आपको, आप स्पाइन टेढ़ी नहीं हो सकती, आपको एकदम हाँ ऑन द फीट हमेशा रहना है। अच्छा, तो ऐसा रहता है। अच्छा, तो जो कुछ बच्चे हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है, जैसे आपने बोला ना कि इंग्लिश हिंदी दोनों की थोड़ी थोड़ी समझ होनी चाहिए, अगर उन्हें इंग्लिश नहीं आती तो क्या इंग्लिश सीखनी पड़ेगी या सिर्फ हिंदी प्लेस पे, हिंदी राइटिंग पे फोकस करके भी एनएसडी क्रैक कर सकते हैं? हाँ एनएसडी क्रैक किया जा सकता है उसकी, मैं हाँ भाषा के लिए इसलिए बोला क्योंकि भाषा की थोड़ी समझ इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम वर्ल्ड ड्रामा पढ़ेंगे हमें हाँ भाषा का थोड़ा ज्ञान होना जरूरी है। कुछ इंग्लिश भाषा प्लेस भी ऐसी नहीं हैं। चाहिए कि आपको आप बहुत हाँ बहुत फ्लो फ्लुएंटली आप इंग्लिश बोल रहे हैं। हम इंग्लिश नाटक एनएसडी में नहीं करते, नाटक हिंदी में हाँ होगा, अगर शेक्सपियर नाटक भी हुआ उसका ट्रांसलेशन होगा हिंदी में, लेकिन फिर भी नाटक या वर्ल्ड थिएटर में जो कुछ हो रहा है उसे समझने के लिए थोड़ा भाषा का ज्ञान होना जरूरी है ताकि आप लिखा हुआ पढ़ पाए समझ पाए। हाँ इतने के लिए ज्ञान बोलना अच्छा है, अगर आप भाषा को बोलना भी जानते हैं अच्छे तरीके से वो तो प्लस पॉइंट ही होगा हमेशा, लेकिन कम से कम लिखा हुआ आपकी समझ में आ जाए। हाँ वो आपको अगर जरूरी है। चेकअप का कोई नाटक पढ़ने के लिए दिया है, हिंदी रूपांतरण ठीक है परफॉर्मेंस होगा, लेकिन उसको अंग्रेजी में पढ़कर जो उसका एक्चुअल फ्लेवर है वो लेना भी जरूरी है ना, हाँ इसीलिए भाषा का थोड़ा सामान्य ज्ञान होना जरूरी है। तो प्रिपरेशन के लिए ऐसे कौन कौन से कुछ 5-6 ऐसे नाटक के नाम बताइए और ऑथर्स के जो पढ़ने जरूरी हैं, आपको लगता है कि ये पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया है शुरुआती दिनों में, शुरुआत देखिए करने में? भारत के अंदर जो मेजर प्ले राइट्स हुए हैं उन्हें पढ़ना तो जरूरी है, हम कभी भी विजय तेंदुलकर को नकार नहीं सकते, हाँ हम महेश अलकुंचवार जी को नकार नहीं सकते। ये नाटक पढ़िए, विजय तेंदुलकर जी के नाटक पढ़िए, महेश अलकुंचवार के नाटक पढ़िए, बादल सरकार के नाटक पढ़िए, गिरीश कारनाड के नाटक पढ़िए, मतलब एक मराठी रंगमंच से महेश अलकुंचवार और विजय तेंदुलकर मराठी जितने हैं। रंगमंच के रंगमंच कर्मियों ने बहुत अच्छे अच्छे नाटक लिखे हैं, मेरे ख्याल से वहां से हाँ काफी रिच लिटरेचर है उनका। एक्चुअली कमर्शियल थिएटर जब हो गया शुरू जिन जिन जगहों पर वहाँ नाटक लिखे भी गए हैं, हाँ और जैसे बंगाल में अगर हम बात कर रहे हैं तो बांग्ला साहित्य जो है उसको भी पढ़ना जरूरी है, मैंने अभी नाम लिया था खुद देख, बादल सरकार जी के नाटक हाँ पढ़िए, उसके बाद साउथ से गिरीश कर्नाड जी के नाटक पढ़िए, हिंदी में आप मोहन राकेश जी के नाटक पढ़ सकते हैं, तो ये 4-5 नाम तो बिल्कुल मिस मत कीजिए। उसके बाद आप चेकअप एंटन चेकअप के नाटक पढ़िए, वर्ल्ड वर्ल्ड लिटरेचर में अगर आप शुरू कर हैरोल्ड रहे हैं पिंटर। हैरोल्ड पिंटर पढ़िए, चेकअप तो बिल्कुल रियलिज्म क्योंकि देहात एकदम टच करेगा। उसके बाद आप टेनेसी विलियम्स अगर आप एडवांस फिल्म पढ़ना तो चाहते हैं हाँ, टेनेसी विलियम्स अमेरिकन, पे आ जाइए, उसके बाद आप इब्सन पढ़िए हाँ हेनरी गिब्सन। बेहतरीन, हाँ हाँ हेनरी रियलिज्म गिब्सन फिल्म इज माय फेवरेट प्ले राइट एक्चुअली, मुझे बहुत अच्छा लगते हैं उनका जी स्टोरीज। बिल्कुल। और कुछ ये और कोई मतलब ऐसे ये तो प्लेस, ये बेसिक पढ़िए बेसिक्स हाँ, हैं। और इसके बाद सिर्फ नाटक नहीं नॉवेल्स भी पढ़िए, कहानियों की कवि मतलब हमारे शॉर्ट स्टोरीज कहानी टाइप के। हाँ कहानीकार जो हुए हैं विजयदान देथा जी हैं या गोरकी की कहानियां हैं, ऐसे कहानियां ढूंढिए, और इवन नए हमारे अभिनेता भी बहुत अच्छे इंडस्ट्री में जो अभी लिख, मानव कौल जी की कुछ अच्छी कवि कहानियां हाँ भी रिसेंटली उनकी बुक्स आई है वो पढ़िए, वो भी बिल्कुल यूथ कनेक्ट करेगा उनकी कहानी बिल्कुल, आज बहुत सिंपल और बहुत अच्छा और लिखते हैं, पोएट्री पढ़ना भी जरूरी है क्या, जैसे बहुत ज्यादा आपका जरूरी है, पोएट्री बहुत पढ़ना ज्यादा जरूरी है? जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, पोएट्री करने का शौक रखिए ना रखिए पोएट्री पढ़ जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, हिंदी इंग्लिश पढ़ना दोनों। जरूरी है। उसका कारण एक ये है क्षितिज, जो जितना मैं समझ पाया हूँ जब हम अभिनय भी करते हैं तो क्या होता है कि हम ना कुछ बहुत बहुत कुछ नहीं बहुत छोटे में बहुत कुछ दिखाने की एक हमेशा कोशिश होती है, हम ना पूरा नहीं करते, हमें कुछ एक एक्शन दिखाना जिससे पूरी हिस्ट्री बायोग्राफी सब एकदम से आ जाए। पोएट्री भी मुझे लगता है कि ऐसा ही है कुछ, पोएट्री 4 पंक्तियां होती हैं और पोएट्री आपको समुद्र दिखा देती है ना, हाँ हाँ तो ट्रू। वो समझना एक कलाकार के लिए कि हाँ भाई कम में ज्यादा कैसे हो जाए, हाँ ये शायद पोएट्री ही हेल्प कर पाती है।
बहुत इम्पोर्टेंट है मुझे भी लगता है पोइट्री पढ़ना। अच्छा, आपने एक बात बोली थी कि आपको स्पीच देनी पड़ती है, ठीक है, लोगों के सामने खड़ा होके, तो वो तो मतलब आपका इंट्रोडक्शन है, एंट्री है एनएसडी के लिए, स्पीच देना, उसके लिए पहले से प्रिपेयर कैसे करें? जैसे थिएटर तो किया आपने, 6-7 थिएटर किए, बट स्पीच। स्पीच स्पीच देना नहीं है, स्पीच एक्चुअली क्या आता है, मैं शायद मेरा शब्द चुनाव गलत हुआ, एक मोनोलॉग परफॉर्म करना होता है, मोनोलॉग पर, स्पीच अच्छा परफॉर्म स्पीच करना होता है स्पीच, हाँ वो परफॉर्म करना है, स्पीच उस तरीके से नहीं है ये, वैसा है आपको। दयाशंकर की डायरी जैसा, आशीष विद्यार्थी का, कि अकेले खड़े होकर परफॉर्म कर रहे हो, यू आर इमेजिनिंग थिंग्स ऑन स्टेज एंड यू आर आपको एक परफॉर्मिंग। मोनोलॉग दिया जाएगा, आपको किसी नाटक में से एक मोनोलॉग दिया जाएगा, एक बड़ा स्पीच है, एक बड़ा पैराग्राफ होगा, उसके आगे पीछे बाकी वालों को तो पता है, आपको पढ़ गया और फिर आपको वो परफॉर्म करना है, हाँ ठीक है। वो जैसे मतलब सेम मैंने बताया जैसे सिनेमा का ऑडिशन के लिए, बस ये है कि पैरामीटर्स अलग है, वो मोनोलॉग ही होता है, परफॉर्म करना होता है। दयाशंकर की डायरी तो कंप्लीट सोलो एक परफॉर्मेंस, सोलो नाटक है, इसमें आपको सोलो एक्ट नहीं है, इसमें जो नाटक होगा वो संवाद किसी के साथ होगा, किसी और चरित्र के साथ, किसी और किरदार के साथ का कोई एक संवाद होगा जो अच्छा, आपको वो परफॉर्म, करेक्टर है नहीं वहां पे, पर आप हाँ कॉन्वर्सेशन कर रहे हो। अच्छा आपको वो डायलॉग परफॉर्म करना है, और वो आप कैसे अपने तरीके से परफॉर्म करते हो ये बेसिकली देखा जाता है, अच्छा तो वो घर पे आप आपका बेसिकली टच क्या है। प्लेस जब आप पढ़ते हैं तो बोल बोल के प्रैक्टिस कर करके आप कर सकते हो थोड़ा सा दूसरे प्लेस के ऊपर। एक्चुअली आपको वो तैयार करके ही आना पड़ता है, आपने नाटक पढ़ा, आपने सिचुएशन देख ली, अब वो नाटक में इधर ये संवाद बोला है, अब आपको वो स्पीच तैयार करके परफॉर्म करना है, और आपको अपने ढंग से वो आपने कैसे तैयार किया है वो, या आप उसको कैसे उस नाटक को, अगर हो सकता है मैं बोलूं कि तुगलक नाटक का स्पीच, वो तुगलक, आप तुगलक के बारे में अगर नहीं सुना, तुगलक हाँ गिरीश कारनाट जी का नाटक है, हाँ मैंने सुना है, तुगलक पढ़ा नहीं है। है, सुना है तुगलक उसके का बारे अगर में। स्पीच है तो मैं बोलूं कि हाँ भाई मैं चाहता हूँ कि ये तुगलक के गैंगस्टर है, मैं इसे आज प्रेजेंट में बोल देना चाहता हूँ, तो आपको फिर हाँ वो स्पीच नाटक की एज इट इज उठाई आपने, लेकिन आपने अपने ढंग से परफॉर्म किया, फिर आपने कन्विंस करना है डायरेक्टर को कि मैंने क्यों ऐसा सोचा और मैं हाँ इस नाटक को आज के दौर में कैसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ, तो अच्छा, ये उसके बेसिस जो सवाल ही पूछेंगे। हाँ ये नहीं कि सिर्फ सवाल जो आपको परफॉर्मेंस हो बेसिक गई। क्यों किया कैसे किया ये सवाल तो हाँ जरूरी है। हाँ मैं, आपने सच में ऐसे खुजली मचा दी बात कर, मोन लोग देते हो तो पूछेंगे ये आपने क्यों किया था, ऐसा क्यों किया था, वैसा क्यों, एवरी मोमेंट विल बी ऑब्वियसली नोटिस्ड। मुझे याद है एक बार क्या हुआ, मैं बेबी नाटक का एक स्पीच आया था हाँ राघव, तो मैंने स्पीच किया और अनुराधा मैम वहां मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, वो हाँ उन्होंने क्या किया, मैंने पूरा स्पीच तैयार किया था बड़े अच्छे ढंग से, एक मूड, एक पूरा पूरा स्पीच का पैटर्न बनाया हुआ है, और हम बेसिकली फंस जाते हैं पैटर्न्स में, हम ट्रैप होते हैं, हाँ पूरा पैटर्न बनाया, तो उन्होंने बोला अच्छा राहुल ऐसा है कि अब आप ये समझिए कि ये बंदा पूरी स्पीच बस हंसते हुए बोलेगा, रुकना नहीं है, हंसी रुकनी नहीं चाहिए, तो फिर वो माहौल, वो स्पीच का पूरा वो सैड वैड सब हट गया, और आपको एकदम से कुछ हंसते हुए उसको स्पॉन्टेनिटी में, फिर आपको ये टास्क मिल गया, उसी के उसी आगे बिस्किट पड़े थे, तो मैम ने मुझे वो बिस्किट, वो बेकरी वाले बिस्किट थे, बेकरी हाँ वो फंस जाते हैं गले में, तो ये सूखे बंदा होते हैं। पेटू है और ये बस खाए जा रहा है, और ये हाँ ये बोल रहा है स्पीच, मतलब पानी का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मतलब वो फिक्स पैटर्न नहीं रहा, आप जो घर से सोचकर गए थे वो सब तहस नहस हो गया, हाँ लेकिन आपने कितनी जल्दी वो, तब उसको भी मैंने अडेप्ट किया। प्रीलिमिनरी क्लियर किया था मेंस में दोबारा आया था, हाँ वो इंस्टेंट आप कैसे बदलते हो, मतलब आप स्टक नहीं हो गए, आप रुक नहीं गए कि अरे यार ये तो बदल गया सब, अब क्या करूं, एकदम चेंज करके आगे बढ़ना है, अच्छा, ऐसी कौन सी तो चीजें ये हैं, स्पीच का अच्छा स्टार्टिंग रहा। ऐसी कौन सी चीजें, हर कोई ये बताता है हाँ कि बोलिए बोलिए। एक्टिंग जो है वो क्या किया जाए उसमें, ठीक है, पर क्या ऐसी 3-4 चीजें जो आपने अपने ओवर द इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस सिखाई, क्या नहीं करना चाहिए एक्टर को? ये एक्टर बहुत बार बार यही गलती करते हैं सारे एक्टर्स, ये 3-4 चीजें नहीं करनी चाहिए लोगों को, जो नए लोगों को भी आप देखते होंगे ना, अभी आप रिपर्टरी में काम करो, नए नए बच्चे आते होंगे उनको आप देखते होंगे, हाँ बिल्कुल और कुछ कॉमन एक थ्रेड होंगे ना, ये बच्चे हर बार वही गलती करते हैं, हर बार वही चीज बतानी पड़ती है, ये मत करो ऐसा मत करो। जैसे आपने एक बहुत अच्छी चीज बताई, यू नो डोंट शो इट टू द वर्ल्ड, डू इट फॉर योरसेल्फ, जब आप यस प्ले करते हो, तो वैसे यस कुछ और यस चीजें हैं यस जो एक्टर्स को ध्यान रखनी चाहिए। सिचुएशन में रहकर हम सिचुएशन को मतलब खेलना है एक्चुअली बात, सिचुएशन क्षितिज जो मेरी समझ में आया इन इन पूरे इस 2007 से लेकर अब तक की जर्नी में, कि यार अभिनय ना शब्दों में नहीं है, अभिनय उस शब्द में नहीं है जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, ये बहुत मतलब टीचर्स ने जब हमें बताया तब हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि बहुत सारे लेकिन एक्टर्स ना वो स्क्रिप्ट हाँ में डायलॉग देखते हैं, अरे मेरा डायलॉग कम है, नहीं मेरा है डायलॉग नहीं है, ज्यादा है, वो देखते हैं। ना ना हाँ ना ना, अभिनय उन उन डायलॉग्स के बीच में कहीं होता है, हाँ समझ पा रहे हैं आप,
है ना, अभी हम बात कर रहे हैं, बात करते करते आप मुझे पूरे तरीके से सुन रहे हो और आपने 3 बार गर्दन हिला दी और बीच में एक बार ये हुआ, हाँ ये कुछ इन बिटवीन द लाइन्स हुआ ना, आप कुछ सोच रहे हैं और बीच में 3 बार गर्दन, प्लान नहीं था, इन बिटवीन द लाइन्स कुछ होता है, अपने आप को हमें उसके लिए तैयार करना है जब हम रिस्पॉन्ड कर पाए, रिएक्शन और रिस्पॉन्ड दोनों अलग चीजें हैं, है ना, इसको समझना बड़ा जरूरी है, हम सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करें। तो मुझे लगता है कि भाई वो शब्दों में मत फंसो, शब्द जरूरी है लेकिन शब्द सार नहीं है, शब्द ही वो नहीं है, शब्द जरूरी है, शब्द से हम चीजों को आगे ले जाएंगे लेकिन अभिनय उसके उसके बीच में है कहीं। और नए लोगों के लिए परफॉर्म जो हम जब भी बात करते हैं, देखिए मुझे खैर शब्द के अलावा अभिनय की ट्रेनिंग के लिए मैं शायद ज्यादा बोलना चाहूंगा, जो भी मैं नए लोगों को देखता हूँ या जिनसे भी बात हो पाती है, देखिए मैंने हम बात करें कि टूल्स की, हमारे पास दो टूल्स हैं क्षितिज, एक बॉडी है हमारा और एक वॉइस है, तो ये बॉडी और वॉइस को ट्रेन करना बड़ा जरूरी है, ठीक है, आपको रेगुलरली अपने अभ्यास करते रहना बड़ा जरूरी है। नए लोगों के साथ मैं ये देखता हूँ, एक तो शॉर्टकट का थोड़ा सा होता है कि जल्दबाजी में, और पेशेंस नहीं होता है, इंस्ट्रूमेंट पूरे तरीके से ट्यून नहीं है, इंस्ट्रूमेंट बोला हमारा बॉडी हमारा इंस्ट्रूमेंट है, हमारा वॉइस हमारा रियाज, क्योंकि देखो दो स्टेज जो है वो आम जिंदगी नहीं है, स्टेज एक कदम आगे है, स्टेज आपको 101% मतलब 100 से ऊपर चाहिए आपको, स्टेज पे आप फिट चाहिए, स्टेज पे आपको बुखार नहीं है, स्टेज पे आपको जुकाम नहीं है, स्टेज पे आप डिप्रेशन में नहीं है, स्टेज आपको 100% देना है, उसके लिए अपना बॉडी तैयार रखना बड़ा जरूरी है। बॉडी तैयार रखने के लिए जिम जाने के लिए मतलब नहीं है मेरा, कि बॉडी जिम जिम का मसल नहीं, फ्लेक्सिबल एक्सरसाइजेस, जस्ट आपका टोन रहे, बॉडी ट्यून रहे, बॉडी अलर्ट रहे, बॉडी है ना, बॉडी का अलर्टनेस और वॉइस को लेकर आपको हमेशा मतलब अपने अभ्यास करते रहना चाहिए, इसके लिए तो संगीत है ही, आपके पास हारमोनियम अगर है तो बेहतर है, नहीं तो यूट्यूब पे आपको बहुत से मिल जाते हैं, डिजिटल तानपुरा चला के सी है, 15 मिनट भी अगर आप सुबह अपनी वॉइस को ट्रेन करते हो ना तो ये सफिशिएंट है, 15 मिनट रोज, लेकिन रोज ये दो चीजें लोग बहुत मिस कर रहे हैं, अभ्यास नहीं कर रहे, एक्चुअली गेम वो 1.5 घंटे की नहीं है जब हम परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब मैं क्रिकेट से शायद इसको जोड़े तो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, विराट कोहली वो 1.5 घंटे 2 घंटे का मैच खेल के नहीं बनते हैं, वो जो नेट प्रैक्टिस में होता है वो जो दुनिया नहीं देखती है, वो आपको बनाता है खिलाड़ी, तो सेम इज द केस, ये भी प्ले है, ये भी खेल है ना, खिलाड़ी तो यहाँ भी बनना है, तो इसके लिए भी तो आपको जो है अभ्यास करना पड़ेगा, ये कुछ लोगों में, और पढ़ते नहीं है, पढ़ते नहीं है, पढ़ना मिस होने लगता है कि भाई पढ़ना और अभिनय करना तो दोनों अलग चीजें, लेकिन यार जितना हम पढ़ेंगे ना, हमारे अगर बॉडी है वॉइस है तो इमेजिनेशन भी है, जितना हम पढ़ेंगे हमारा ये टूल किट उतना ज्यादा शार्प होता जाएगा, और हम फिर मतलब अगर मैंने कुछ पढ़ रखा है और फिर मुझे कोई ऐसी रिजेम्बलेंस सिचुएशन मिलती है और मैंने कोई किरदार ऐसा ऐसा कुछ पढ़ा है तो शायद मैं उसको लेकर कुछ और बना सकूं, है ना, कुछ चेंज कर पाऊं, मतलब मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैं कहां से चीजें, मतलब मेरे अंदर कुछ तो चाहिए ना जो मैं रिफ्लेक्ट करूं, उसके लिए किताबें पढ़ना तो जरूरी है। सो बेस्ट प्लेस कौन से हैं जो आपने किए, जो आपको लगता है मुझे परफॉर्मेंस, कौन कौन से प्लेस किए हैं आपने अभी तक, पूरे एनएसडी की बात करूं या नहीं, नहीं, लाइफ में जो भी आपको अच्छे लगते हैं टॉप ऑफ द माइंड, ऐसे 5-6 प्लेस जो आपको लगता है मैंने किए हैं, बड़ा मजा आया इनको करके। मैंने जब शुरुआती दिनों में मेरा पहला जो एक मेजर रोल हुआ था वो जिससे मतलब जम्मू रंगमंच के अंदर ऐसा होता ना कि एक शुरुआत होती है, लोग आपको थोड़ा पहचानना हो, फिर आपको विजय तेंदुलकर जी का ही नाटक किया था मैंने, खामोश अदालत जारी है, ये नाटक पढ़ना भी जरूरी है क्योंकि सरकास्टिक है काफी ना, व्यंग्यात्मक नाटक, और रियलिज्म को भी समझना जरूरी है जिसको हम सिनेमा में भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद होली नाटक महेश कंचुवार जी का किया था वो, क्योंकि हम एकदम जवान हो रहे थे और वो हॉस्टल डेज की ही कहानी है, और लोगों को पता नहीं है पर होली नाम की फिल्म से ही आमिर खान ने अपना डेब्यूट भी किया था। हाँ बिल्कुल 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 सही, होली नाटक में मैंने रंजीत प्ले किया था, वो अच्छा नाटक मेरा शुरुआती दिनों के, वो एनएसडी से पहले के। फिर हमने एनएसडी के दौरान विरासत एक नाटक किसका है? विरासत भी महेश दा का है, महेश दा का है, विरासत किया, और उसके बाद भास्कर किरदार किया, वो मुझे बहुत अच्छा है।
लगा। उसके बाद विरासत के बाद हैमलेट हमने किया, जिसमें मैंने क्लॉडियस किया, विलन है वो, विलन है उस नाटक का, हैमलेट का। उसके चचा हैमलेट के जो होते हैं, जो सारा मर्डर सब प्लान होता है सारा। हैमलेट के बाद मैंने अगस्त स्टीनबर्ग का एक नाटक है, अ ड्रीम प्ले, अ ड्रीम प्ले, अगस्त का ख्वाब नाम से, हाँ अगस्त का ख्वाब नाम से हमने वो किया था, अगस्त किया था मैंने उसमें। इसके अलावा और भी बहुत से नाटक हो रहे हैं, मतलब। अच्छा, जैसे एनएसडी के स्टूडेंट्स नाटक करते हैं, इज जनरल पब्लिक अलाउड टू वॉच इट? मतलब जैसे हम तो नाटक देखने आए थे, मेरे ख्याल से वो ओपन टू पब्लिक था, पब्लिकली किया गया था, बिल्कुल। बट क्या ऐसा नाटक, हाँ, किस किस तरह से होते हैं? मतलब हर महीने ओपन होता है कि बच्चे आके देख सकते हैं, सीख सकते हैं वहां पे, कुछ ऐसा कुछ है? जो स्टूडेंट प्रोडक्शन होते हैं हमेशा पब्लिक के लिए ओपन होते हैं। अच्छा, ओपन होते हैं। हाँ, कुछ हमारे इन हाउस प्रोडक्शन होते हैं वो एक्चुअली क्लासरूम वर्क होते हैं, वो अलग एक्सरसाइज होते हैं, वो पब्लिक के लिए ओपन नहीं होते। लेकिन प्रोडक्शन जो होते हैं वो हमेशा पब्लिक के लिए ओपन होते हैं, वो एनएसजी की वेबसाइट पे भी दिख जाएंगे। एनएसजी वेबसाइट पे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एनएसडी वेबसाइट पे आपको पता चल जाएगा, या अगर कोई दिल्ली सर्कल में आ रहा है, मंडी हाउस सर्कल में, तो बाहर आपको पोस्टर्स वगैरह देखकर पता चल जाएगा कि कब नाटक कौन सा आ रहा है, कि हम एडवर्टीजमेंट 10-15 दिन पहले शुरू हो जाती है, और फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन है या सेकंड ईयर का प्रोडक्शन है या थर्ड ईयर का प्रोडक्शन है। तो ये इस तरीके से तीनों साल के प्रोडक्शन जो है वो पब्लिक के लिए खुले रहते हैं। मुझे कई हमारे ऐसे मित्र हैं दिल्ली में जिन्होंने हमें फर्स्ट ईयर से लेकर एनएसडी ग्रेजुएट होने तक के हमारे पूरे डिप्लोमा प्रोडक्शन तक भी देखे हैं। उसके बाद हाँ, रेपेट्री आपने तो देखा, वो रेपेट्री प्रोफेशनल, हाँ वो प्रोफेशनल ग्रुप है हम लोग। अरे मैं तो जितने लोग ये देख रहे हैं वीडियो, मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि जब भी मौका मिले जरूर जाओ, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल कैंपस मैंने नहीं देखा, और इतना मतलब सीखने को मिला मेरे को। मैं तो खुद हैरान था, मैं कभी एनएसडी नहीं आया था, वो तो मेरे दोस्त ने फोर्स किया, चल चलते हैं कॉलेज से, तो मैंने कॉलेज खत्म हुआ, मैं चला आया वहां पे, एंड आई वाज लिटरली ब्लोन अवे बाय द बिग कैंपस। 26 स्टूडेंट है, बट इट्स अ ह्यूज कैंपस, बहुत चीजें हैं करने के लिए वहां पे, यू नो, मतलब अच्छी लाइफ है वहां पे एज अ स्टूडेंट, उससे अच्छी कोई जगह नहीं, जन्नत है वो एनएसडी, और सेंटर ऑफ दिल्ली है, सेंटर ऑफ दिल्ली है, सबसे अच्छी बात ये है। बिल्कुल बिल्कुल, 26 बच्चे एक बैच के हैं, हम टोटल 3 बैच वहां पे एक साथ जब ट्रेनिंग के दौरान रहते हैं, तो मतलब लगा के चलिए 80 के करीब करीब। उसके बाद रेपेट्री और टीआई विंग अलग है इसका, टीआई विंग जैसे बच्चों के लिए काम कर रहा है, और रेपेट्री हम बाकी, हाँ रेपेट्री के बारे में मैं ये बता दूं, रेपेट्री में सिर्फ एनएसडी ही नहीं होते, रेपेट्री एक हम लोगों को जॉब है हमारा एक्चुअली, वो एज एन एक्टर हम अब कुछ अर्न कर रहे हैं, इससे पहले तो बड़ा विदाउट मनी सब चलता है स्ट्रगल। तो भारत के अलग अलग संस्थानों में से, क्योंकि जैसे नेशनल ड्रामा है, वैसे मध्य प्रदेश में भी है, MPSG है, ऐसे ही चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, ऐसे ही हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ से भी जो लोग अपना एक्टिंग में कुछ डिप्लोमास किए होते हैं उनका चुनाव ये भी इंटरव्यूज के बेस पे ही होता है। जैसे एनएसजी का एग्जाम देते हैं, वैसे ही हम रेपेट्री के लिए भी एग्जाम देते हैं, इंटरव्यू देते हैं अपने चुनाव। अच्छा, सबका नहीं होता रेपेट्री में? नहीं 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 नहीं, हम अपने बैच में 26 में से मतलब मुझे लगता है 7-8 लोगों ने दिया, जिनमें से 3-4 लोगों का चुनाव हुआ था। अच्छा। तो हर साल अगर रेपेट्री की 10 सीटें निकली हैं, तो 3-4 अगर यहाँ से है, एक आध चंडीगढ़ से आएगा, एक दो MPSG से आ रहा है, एक आध हैदराबाद से, तो एक आध मुंबई यूनिवर्सिटी से, तो अलग मतलब हाँ जॉब ऑप्शन है आपके पास। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप एनएसडी से हो, आप रेपेट्री का सेपरेट एग्जाम भी दे सकते हैं, आप किसी भी जगह से हो। हाँ, आप रेपेट्री, क्योंकि अर्निंग रेपेट्री प्रोफेशनल थिएटर ग्रुप के तरीके से रंगमंच होता है, हम भारत के अलग अलग शहरों में जाके रंगमंच करते हैं, दिल्ली में रंगमंच करते हैं। एनएसडी के जो स्टूडेंट प्रोडक्शन है वो दिल्ली से बाहर नहीं जाते, वो इन हाउस ही होंगे, वो कैंपस में ही होंगे। लेकिन रेपेट्री प्रोडक्शन जैसे आपने जो देखा, अधांतर देखा, ऐसे ही हमारे और कुछ रनिंग प्रोडक्शन है 5-6 फिलहाल, वो भारत के अलग अलग शहरों में जाके हम परफॉर्म करते हैं। अच्छा, फीस स्ट्रक्चर कैसा है एनएसडी का? इज इट अफोर्डेबल फॉर अ मतलब लोअर मिडिल क्लास? और क्षितिज, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया, मैं आपको इसके बारे में ये बताना चाहूंगा कि एनएसडी मेरा 5 साल में 3 बार देने का मेजर कारण ये था कि उसके लिए हमें स्कॉलरशिप मिलता है। उस ट्रेनिंग के दौरान हमें घर से पैसे नहीं मंगवाने पड़ते। अच्छा। क्योंकि मेरे घर पे कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम नहीं था जो मैं दिल्ली जाके शहर में पढ़ूं और घर से कुछ पैसे मंगाऊं। सिर्फ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एकमात्र ऐसा संस्थान है जिसमें अगर आपका चुनाव हो जाए तो आपको रहने के लिए व्यवस्था, आपका हॉस्टल हो जाएगा, जो आपके खाने की व्यवस्था हो जाएगी, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करना है। अच्छा, कुछ पैसा लेके नहीं जाना है? कुछ नहीं, हाँ स्टार्टिंग में खाना भी फ्री है। देखिए, हमें स्कॉलरशिप मिलता है, उसमें से कुछ पैसे कट जाते हैं, मैस का खर्च कट जाता है, हॉस्टल कट जाता है, आपको पॉकेट मनी भी बच जाता है। अच्छा, जितना दिल्ली में खर्चे होने
के बाद आपका 3-4 हजार रुपये पॉकेट मनी भी बच जाएगा। हाँ। शुरुआत में जब हमारा एडमिशन होता है उन दिनों मुझे याद है बस शुरुआत के दिनों में 15,000 रुपया कुछ हमने जमा करवाना पड़ा था, जो बाद में हमें 10,000 के 9,000 के करीब वापस मिल जाता। हाँ। कुछ 5,000 कटता है डिपॉजिट टाइप का। हाँ, 3 साल आपके अलग अलग चीजें होती है। कुछ ऐसे बच्चे भी आते होंगे ना, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करते होंगे, लड़ाई करते होंगे, तो उन्होंने पैसे 15,000 रुपए डिपॉजिट कर लिए। 15,000 रुपए आपके स्टार्टिंग में कुछ फीस वगैरह उसका डिपॉजिट होता है और फिर आपको उसमें से भी पैसे वापस मिल जाते हैं। तो इसमें ये बच्चों से यही कहना है कि हाँ, मतलब अगर आप सच में, जैसे मैं नहीं था इतना लकी कि मुझे कोई बड़ा फंड मिल जाता तो मैं बाहर कहीं और चला जाता। मुझे लगता है, और ये भारत का क्या आप करें, एशिया का सबसे बड़ा संस्थान है अभिनय सीखने के लिए, तो और यही एकमात्र ऐसा संस्थान लगा जहां मुझे घर से पैसे नहीं मंगवाने पड़ेंगे, इसलिए शायद मैं इतना इंतजार भी किया। 5 साल तक मैं ट्राई ही करता रहा क्योंकि मुझे करना तो यही था, सोच तो लिया था कि भाई करना तो अभिनय है, एनएसडी होगा तो होगा, वरना कहीं और नहीं जाएंगे। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आप एनएसडी क्रैक करते हैं तो आपको उल्टा जेब खर्च मिल जाएगा, आपको घर से कभी कोई पैसा नहीं मंगवाना पड़ेगा, 3 साल तो आपका पूरा भ्रमण जो है, अरे आपका पूरा हेल्थ इंश्योरेंस रहता है क्षितिज। हाँ। क्योंकि हम कुछ भी, अगर आप पूरा मेडिकल सिस्टम आपके साथ, मतलब एक एक्टर तैयार किया जाता है। हाँ। जिस तरीके से पायलट तैयार किया जाता है, डॉक्टर तैयार किया जाता है, एक एक्टर तैयार किया जाता है रंगमंच के लिए, एक अभिनेता की पूरी तैयारी होती है। मतलब द बेस्ट थिंग हैपेंड टू एन एक्टर, दिस वाज द वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ योर लाइफ एनएसडी टिल टुडे, इट्स द बेस्ट। अच्छा, किस किस से मिले आप? किस किस से मिले, मतलब जो भी इरफान, नसीरुद्दीन, सब आते रहते ना वहां पे? नसीरदा से मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि हमारे दौरान नसीरदा कैंपस में नहीं आए। इरफान जी से मुलाकात हुई, सॉरी वो भावुक हो जाता है उनको, हमारे पसंदीदा अभिनेता है, तो उनसे एक बार मुलाकात हुई। पंकज दास से, पंकज त्रिपाठी जी से भेंट होती रहती है, वो एक दो बार बीच में आ गए 3 साल में हमारे, 2-3 बार उनसे मुलाकात हुई। इवन मनोज वाजपेयी जी से मुलाकात हुई, उनके साथ तो मेरा क्लास भी हुआ एक बार। अच्छा, वो आते हैं क्लास लेने? हाँ, तब मैं एक्चुअली फर्स्ट ईयर में था और सेकंड ईयर में आ रहा था, वो थर्ड, वो दिल्ली आए थे किसी मसले में, दिल्ली आए थे तो कुछ एक दिन के लिए मास्टर क्लास के लिए, उनको 2 दिन के लिए वैसे ही उनसे बातचीत हुई और वो मास्टर क्लास करने आए। तो मैं जस्ट सेकंड ईयर स्टार्ट होना था, मैं पहले आ गया था, तो मैं थर्ड ईयर के साथ क्लास करने घुस गया, मास्टर क्लास था, तो मैं मनोज जी के साथ क्लास किया। अब वो रेगुलर पिछले साल भी शायद थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने 10 दिन का एक चंक किया था दिल्ली में। तो इसके बाद पंकज कपूर साहब के साथ मुलाकात हुई। बाकी देखिए, एनएसडी के जितने भी हमारे पास आउट्स हैं, एलुमनी हैं, वो सब आते रहते हैं कैंपस में। वो आप लोगों के लिए सेलिब्रिटीज जैसा नहीं होता हो ना, आप लोगों के लिए बड़े भाई जैसे रहते होंगे वहां पे जब आते होंगे? हाँ, ये एनएसडी आने के बाद ये एहसास होता है, वो स्टार्स एक दो बार मिलने के बाद ना, एक दो बार मिलने के बाद ऐसा हो जाता है बड़े भाई हैं, क्योंकि वो भी उसी तरह बात करते होंगे छोटे जूनियर। पीयूष दा को जब पहली बार देखा, पीयूष मिश्रा जी को एकदम पहली बार देखा, ऐसा लगा यार पीयूष दा है, पीयूष दा मतलब फर्स्ट ईयर में हम आया मैंने, और उसके बाद फिर एक छोटा सा गेट टुगेदर होता है पीयूष जी के साथ, एक इंटरेक्शन होता है, पार्टी होती है, वो खुल जाता है, माहौल खुल जाता है। उसके बाद फिर आप नवाज जी आ रहे हैं, उनके साथ आपकी बातचीत हो रही है, एक इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब मजा आ रहा है आपको। फिर वो नहीं है कि वो भी शायद स्कूल में वैसे नहीं आते कभी, मतलब मैंने कभी किसी को स्कूल, वो है भी नहीं शायद, आप जिन लोगों को भी आपने नाम लिए, वो वैसा ऑरा नहीं कैरी करते अपने साथ, एक आम बंदे के जैसे। हाँ, आम बंदे के जैसे कैंपस में आएंगे, बाहर टपरी पे चाय पी सकते हैं हम, खुले वो मंडी या उसकी टपरी पे ऑलमोस्ट फ्री होते, वो अपने दिन जीते होंगे वहां पे, अपने पुराने किस्से बताते होंगे, उनको मन करता है वैसे टपरी में चाय पिए, वैसे सुट्टा मारे, टपरी में चाय होती है, टपरी में चाय होती है। आप, मैं हैरान था, मुझे याद है मैं जब पहली बार इनसे, इनको देखा था मैंने, एक मिनट, नाम सौरभ शुक्ला जी, सौरभ शुक्ला एनएसडी से हैं, सौरभ शुक्ला हमारे एनएसडी रेपेट्री से रहे हैं, उन्होंने रेपेट्री के साथ काफी काम किया, सीनियर मतलब हम इस तरीके से उनको मानते ही है। तो वो टपरी चाय वाली, सौरभ जी दादा नीचे बैठ के वो चाय पी रहे, और मैं एकदम हैरान हो गया, एकदम मुड़ के आया वापस, क्योंकि देखो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि सौरभ वहां बैठ के टपरी पे नीचे बैठ के चाय पी रहे आराम से, एकदम इतना खुला माहौल,
तो धीरे धीरे वो ना चीजें स्टारस्ट्रक नहीं होते, फिर धीरे धीरे मनोज दा के साथ बातचीत हो रही है, फिर डोबरियाल, दीपक डोबरियाल भी एक बार जस्ट मुलाकात के लिए कैंपस दिल्ली आए। अक्सर हाँ लोग जो रंगमंच को पसंद करते हैं ना, वो एनएसडी जरूर आते हैं, हाँ और जिनका हाँ थोड़ा जुड़ाव अभिनय के साथ या रंगमंच के साथ जिनकी शुरुआत रही है, वो एनएसडी जरूर आते हैं, और लकीली फिर इंट्रैक्शन भी एक्चुअली हो जो जाता है। थिएटर से मेरे ख्याल से शुरू करते हैं ना, उनका अपना रूट से जुड़ाव बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल थिएटर उनकी हमेशा पहली पसंद रहती है। जैसे नसीर जी की भी थिएटर पहली पसंद है। फिल्में वो कहते हैं मैं पैसा कमाने के लिए हाँ करता हूँ, पर थिएटर मैं दिल के लिए करता हूँ अपने। अभी भी उनके प्लेस होते रहते हैं मुंबई में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इवन दिल्ली में भी उनके शोज होते हैं। हाँ लेकिन मैं शायद अनफॉर्चुनेट हूँ, मैं अभी तक उनसे मुलाकात हो नहीं पाई, मेरी बहुत जल्दी कभी भेंट होगी। हुई नहीं उनसे। तो माय बेस्ट ऐसा है विशेस। कि बस कुछ ऐसा बड़ा नहीं लगता कि कोई और ऐसा कर नहीं होता, आपको अच्छा लगता है इनसे मिलकर, फिर लगता है कि नहीं यार ठीक है ये, हाँ रीचेबल है, हाँ मामला रीचेबल है। हाँ और फिर एक चीज और भी लगती कि यार अपने जैसा कोई दिखता है ना, हाँ हाँ ये लोग अगर ये कर पाए तो हम भी कर पाए, हम भी कर हाँ पाए। आदिल आदिल हुसैन जी के साथ बहुत भेंट, क्योंकि वो दिल्ली में ही रहते हैं वो तो तो बड़े अक्सर आते रहते हैं। सोफिस्टिकेटेड जैसे दिखते हैं, बहुत ही अरे पॉश आप टाइप के। हाँ समझिए, नहीं हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम स्ट्रेट स्पाइन, एकदम वेल हाँ डिसिप्लिन, बट वेरी क्या डाउन टू मतलब, अर्थ। कुछ ऐसा वो नहीं है कि आप उन्हें अप्रोच नहीं, बड़े आराम से आपके साथ बात करेंगे हाँ आपको, आप वो जो मैंने उनके देखा, बात का तलफ्फुज ही बहुत बढ़िया है। इंग्लिश बोले चाहे हिंदी बोले, बहुत काम डाउन और बहुत ही अच्छी तरीके से बोलते हैं। उनका स्पीच वॉइस बहुत अच्छा क्षितिज है। देखिए ये होती है एक, मतलब मैं अक्सर उन एक रोल मॉडल के तौर पर, मतलब हम देखते हैं, मैं खुद तो देखा हूँ। देखिए आसाम से एक बंदा तैयार हो रहा है जिसका फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी नहीं है, हाँ वो हिंदी को टैकल कर रहा है, फिर वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का ट्रेनिंग कर रहा है, फिर वो इसके बाद इंग्लिश को टैकल कर रहा है, फिर वो विदेश में जाकर ट्रेनिंग कर रहा है, फिर वो अब आप देखिए कि वो हिंदी सिनेमा को भी कर रहे हैं और मतलब विदेशी सिनेमा भी कर रहे हैं, और कितने अच्छे तरीके से जेल हो रहे हैं, है ना। तो ये डाइवर्सिफाई इतना कर पाना अभिनेता को, ये देखने की चीज है और सीखने की चीज है। ट्रू। आनंदा इज वन ऑफ हमारे अभी के एलुमनाई जो वर्ल्ड लेवल पे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा नाम। हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा मैं नहीं जानता था कि वो इतने बड़े एक्टर हैं। जब तक तो मैंने इश्किया नहीं देखी थी, इश्किया में एकदम से उनको विलेन लिया, तो मैंने कहा ये कौन अननोन सा एक्टर है इसको एकदम से इतना बड़ा रोल दे दिया। बाद में पता चला इज ह्यूज, बहुत बड़ी फिल्में की, इंटरनेशनल फिल्में की हैं, बहुत काम किया उन्होंने। सो मोस्ट ऑफ द पीपल कम टू नो अबाउट हिम फ्रॉम इश्किया ओनली। उससे पहले लोग नहीं जानते थे मेरे जैसे, तो खैर खासतौर पर इश्किया से पहले वो रंगमंच ही कर रहे थे, रंगमंच ही ज्यादा कर रहे थे। हाँ विदेश में पढ़ा रहे थे, हाँ हाँ रंगमंच कर रहे थे, दिल्ली में एक्टिंग क्लासेस विशाल लेते थे एनएसडी भारद्वाज और में ये अभिषेक लेके आया उसकी। उनको। हाँ फिर उन्होंने उसके बाद वर्ल्ड सिनेमा, अभी उनकी जो फिल्म अगर आपने देखी हो, एकदम मैं नाम बोला हूँ, ये पापा पा, साइकिल रिक्शा वाला था किरदार उन्होंने किया मैंने हुआ, भी नाम देखा है ट्रेलर, मेरे को नाम याद नहीं पाठशाल आ रहा मेरे को शायद, हाँ भी। मैं एकदम पाठशाला, नाम भूल पाठशाला गया, ऐसा कुछ करके। पाठशाल हाँ शायद कुछ नाम हाँ था। दो दो उनके ना पैरेलल चीजें आई, यहाँ पार्ट टाइम रिक्शा चला रहे हैं वो, और वहां उनका हॉलीवुड में एक अमेरिकन स्काई फाई मूवी है जिसमें वो स्पेसशिप पे है ना। हाँ तो इतना डिफरेंस है एक वेरिएशन है, किरदार, वेरिएशन है। कितना नहीं वेरिएशन कर ट्रू। रहे हैं, एक रिक्शा से लेकर स्पेसशिप तक चला रहे हैं। तो इन लोगों से हम जब सीखते हैं ना तो तब अच्छा लगता है, तब लगता है कि नहीं ठीक है पहुंच जाएंगे, कहीं ना कहीं अब तो जाएगा आप मामला। स्टेबल हो गए लाइफ में, रिपोर्टरी ज्वाइन कर ली, सैलरी आ रही है, तो अब क्या आगे के प्लान है? मतलब मुंबई जाना है, फिल्में करनी है या थिएटर में रहना है, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? स्टेबल, ये रेपेट्री स्टेबल इस तरीके से नहीं कहा जाता, क्योंकि रेपेट्री का कॉन्ट्रैक्ट रहता है हमारा, हर साल रिन्यू होता है, मात्र 6 साल के लिए हम यहाँ रुकते हैं। हाँ ट्रेनिंग के बाद मुझे लगा कि मेरे कुछ बैचमेट सीधा मुंबई निकले, मुझे लगा कि मुंबई एकदम से जाना सही नहीं है, एकदम से अभी पास आउट हुए हैं, वो होता है ना पानी में थोड़ी हलचल रहती हाँ है, थोड़ा गंदला हाँ पानी रहता है, थोड़ा सेटल हो जाए, थोड़ा हाँ सेटल हो जाए, थोड़ा हम अपनी जो सीखी है चीजें उसे ट्राई आउट तो करें एक बार, थोड़ा हाँ प्रैक्टिस में तो लाएं, एक अपनी लैंग्वेज शायद डेवलप हो जाए। ये इन दो 3 सालों में यही कर रहे हैं हम, अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा बढ़ा रहे हैं, और माज रहे हैं अपने आप को। हाँ अपने आप को थोड़ा और, क्योंकि जब आपको पता है ना आपको जाना कहाँ है तो उसकी तैयारी भी उस तरीके से करनी पड़ेगी, हम हाँ कोई भी शॉर्टकट नहीं ले सकते। अब जरूर है, हाँ हम सिनेमा को देखकर चीजों को करना शुरू किए, सिनेमा तो करेंगे जरूर करेंगे, अब अगली तैयारी सिनेमा की ही है जिसके लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हाँ ये जरूर है, मैं क्षितिज ये बताऊं कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि रंगमंच और सिनेमा दोनों ही अलग हैं, आप तो अच्छे से समझते हैं इस हाँ चीज को, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई मैं जो थिएटर कर रहा हूँ ये ही मेरा सिनेमा के लिए काम आएगा, वो एक अलग मीडियम है,
उसके लिए अलग तैयारी होगी, वो शायद बॉम्बे जाने के बाद ही शुरू हो। मतलब एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, पंकज दा भी एनएसडी से पास आउट होने के बाद, 8 साल के बाद गैंग्स ऑफ वासेपुर आ रहा है, इरफान दा 12 साल के बाद कहीं जाके अच्छा सिनेमा हासिल कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं। तो सेटल इस बीच वो 12 साल में क्या कर रहे हैं, एक मीडियम चेंज कर रहे हैं ना, तो एक अलग मीडियम की तैयारी हो रही है। एक्टिंग सेम है लेकिन मीडियम की तैयारी अलग है। तो इसके बाद सिनेमा के लिए तैयारी जरूर शुरुआत हो गई है। अभी मैंने इस इन दिनों पिछले जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो मैंने जस्ट एक, क्योंकि मैंने कैमरा अपने 13 के बाद बिल्कुल कैमरा नहीं किया था, तो अभी मैंने डीडी किसान के लिए एक सीरियल किया जिसके मतलब जिसमें मैं मेन विलन था। हाँ। रेडी है रामपुरा देख के लगता नहीं विलन वाला रोल कर सकते हो आप, बहुत पॉजिटिव चेहरा है। मुझे विलन बड़ा ऑफर हुआ। मैं अभी अरे एक्चुअली जब मैं मिला था ना, आपसे दाढ़ी बड़ी हुई थी, बाल बड़े हुए थे ना उस टाइम पे, वो किरदार वो मिल मजदूर का किरदार था जो 6 महीने से अपनी एक हड़ताल कर रहे थे, तो उस किरदार को जीने के लिए शायद वो अभी 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 कोई नहीं बोल सकता कि विलन वाला रोल कर सकता। उसमें मैं बोल सकता था कि हाँ ये विलन बन सकता है आदमी, पता नहीं शायद इसलिए मुझे विलन देते हैं कि लगता नहीं होगा, है ना। हाँ, मे भी हाँ, कुछ अलग होता है। बट मुझे एनएसडी में भी मतलब मैंने क्लॉडियस किया, मैंने अगस्त में भी थोड़ा वो ग्रे शेड किरदार है, मैंने विरासत में भी हल्का ग्रे शेड किरदार है। इवन मैंने अभी पहला सत्याग्रही हम गांधी जी के जीवन पे एक नाटक कर रहे हैं, उसमें भी मीर आलम में किरदार करता हूँ जिन्होंने गांधी जी पे हाथ उठाया था अफ्रीका में गांधी जी के ऊपर। वो इस तरीके के किरदार बहुत मिल जाते हैं करने को। अब यही तो मेरे ख्याल से खासियत है एक एक्टर की कि आपको देख के लग नहीं सकता कि आप विलन करोगे, पर मुझे पूरा भरोसा है कि जब आपको विलन का रोल दिया जाएगा यू विल रीड इट, यू विल रिहर्स इट एंड डू समथिंग। एक महीने बाद जब मैं देखूंगा तो मुझे आप विलन दिखोगे, दैट इज द ब्यूटी ऑफ एक्टिंग ना, यू विल ट्रांसफॉर्म दैट इनटू दैट पर्टिकुलर थिंग एक्चुअली, दैट्स द ट्रेनिंग यू गेट। इवन यस, इवन इफ इट इज कॉमेडी, अगर हम अभी आपने अधांतर देखा उसका लास्ट सीन है ना, याद है आपको शायद, मेरी एंट्री होती है वो सीन अलग पीक पे है, सीरियस हो जब आप अमीर हो जाते हो, पैसे वैसे जाते हैं, मैं पैसे वैसे लेके आया हूँ, थोड़ा कॉमिक टच लिया हुआ है लेकिन वो हाँ मतलब थोड़ा डार्क कॉमेडी है ना उसके, हाँ डार्क एक्चुअली, अंदर रो रहा है बहुत और बाहर उसका लॉफ्टर है सारा लोग। तो इस तरीके से मतलब हमारा ट्रेनिंग इसीलिए हुआ है क्षितिज, हम हर किरदार को निभा पाने के करीब करीब मतलब कितना कर पाते हैं ये निर्भर करता है हर एक एक्टर के ऊपर या प्रैक्टिस के ऊपर या हम कितना उसको टाइम दे रहे हैं, लेकिन ट्रेनिंग हमेशा हमारी टूल किट को स्ट्रॉन्ग करता है कि हम किसी भी किरदार को या किसी भी स्क्रिप्ट को हम देख पाते हैं, उस तरीके से उसको वीव कर पाते हैं जिसकी उसकी डिमांड होती है। ट्रू। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, और जल्दी मैं आपसे मुंबई में मिलूंगा, और मुंबई में तो मैं रहता ही हूँ, तो जब भी आप आओगे वहां पे तो मुलाकात तो होनी है, किसी ना किसी फिल्म में होगी कहीं ना कहीं तो बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, अब तैयारी मुंबई सिनेमा की ही है, थिएटर तो पहली पसंद है ही, लेकिन एक मुझे लगता है लंबा समय अब मैंने रंगमंच को दे दिया है। अब मुझे सिनेमा के लिए थोड़ा, रंगमंच तो मेरे पास ही है, मेरे दिल के करीब है, ये तो चलेगा ही, लेकिन एक अलग मीडियम को भी एक्सप्लोर करना है मुझे। अब शुरुआत हो गई है ये किसान चैनल से हुई। I have seen your talent, ठीक है, जो आपको अब बस इतना समझना है कि कैमरे के सामने थोड़ा सा वो क्या करना है कि कैसे कैसे वो करना, बहुत कंफर्टेबल हो गए आप, यू आर प्रिपेयर्ड टू बी एन एक्टर, आई हैव सीन योर एक्टिंग, माइंड ब्लोइंग, ठीक है, सो आई हैव ऑल द गुड थिंग्स टू से अबाउट यू, ठीक है, पर थैंक्स फॉर योर टाइम, ये टाइम दिया। कहाँ हो आप अभी, जम्मू में ही हो? हाँ क्षितिज, मैं जम्मू आ गया हूँ, मैं अपने घर पे हूँ जम्मू में, वैसे आजकल दिल्ली में ही रहता हूँ, जब से एनएसडी खराब बॉम्बे शिफ्ट करने के प्लान थे इस बार, लेकिन कोविड हो गया, चलते दोबारा रुक गए हैं, इस बार दोबारा रेपेट्री दोबारा हम उसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी जम्मू में हूँ, घर पे हूँ और बस चल रहा है। चलो दिल्ली में आओगे आप तो दिल्ली में एक बार फिर मिलेंगे हम लोग, ठीक है, जब भी आप वापस आओगे लॉकडाउन के बाद। एंड अगेन थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर गिविंग सो मेनी इनसाइट्स टू सो मेनी स्टूडेंट्स, बिकॉज एनएसडी के बारे में बहुत लोगों को इनसाइट चीजें नहीं पता होती है, एंट्री कैसे करनी है, वहाँ की लाइफ कैसी है, बहुत अच्छी इनसाइट दी आपने, थैंक्स सो मच फॉर इट। थैंक्स टू यू ऑल्सो, और हाँ अपने दोस्तों को ये जरूर बताया कि जैसा भी मैंने बताया उनको, एनएसडी इज अ हार्ड कोर्स, एनएसडी ये ऐसा नहीं है कि आपको कोई मतलब आपको कंफर्ट करेगा, एनएसडी आपको तोड़ देगा, इसलिए अगर एनएसडी आना चाहते हो तो टूटने के लिए आओ ताकि कुछ नया तराशा जा सके। चलिए थैंक्स फॉर योर टाइम, मिलते हैं जल्दी, बाय बाय। श्योर, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय।